हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपको देख पा रहे होंगे कि मैं चने भिगो के रखे हुए हैं। आज हम बनाएंगे चने की टेस्टी और फटाफट बनने वाली सब्जी। इसके लिए मैंने 1.5 कप चने को पूरी रात भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसे 4 से 5 विसल दिलवाऊंगी और इसके लिए सबसे पहले हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये मैंने प्रेशर कुकर में डाले चने। वाटर हमें इतना डालना है कि बस चने इसमें पूरी तरह से डिप हो जाए। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाला है। जो इसके लिए मुझे खड़े मसाले चाहिए, मैंने इसमें लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 3 काली मिर्च। इन सबको मैं कुकर में डाल दूंगी और फिर 4 से 5 विसल दिलाऊंगी। ये मैंने डाल दिए इसमें खड़े मसाले। अब इसमें मैं ऐड करूंगी इसमें मैं ऐड करूंगी नमक, ये मैंने लिए 2 मीडियम साइज के अनियन, 2 बड़े टमाटर और 2 ग्रीन चिल्ली। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने टमाटर लेना है, टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर दिया है और मैंने इसको छिलका उतार के कट किया है। अब इसको डाल दूंगी मैं प्रेशर कुकर में। ये इस तरह से मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब मैं दिलाऊंगी विसल 3 से 4। चने हो गए हमारे कुक, विसल आ चुकी है लास्ट विसल। ये दूसरी तरफ चढ़ाया हमने पैन। पैन में लूंगी मैं 1 कप पानी और इसमें घर में आप जो भी चाय पत्ती यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच, ये देखिए, इसको डाल देंगे। उसको 2-3 बॉयल आने देंगे। ये आ गया चाय पत्ती को बॉयल। अब मैं करूँगी इसको बंद। ये रेडी है। ये चने में डालने के लिए भी एक हमारा एक पार्ट है जिससे चने टेस्टी बनते हैं। आप जब ट्राई करेंगे आपको खुद पता चलेगा। ये मैंने उतारा इसको कैन से। चने हो गए हमारे कुक। अब मैं इसको कर लूँगी चेक। ऐसे मैंने लगा के आपके सामने मैं ये देखने से ही पता चल रहा है चने हो चुके हैं स्मूथली सॉफ्ट। अब इसमें से मैं सारे खड़े मसाले निकाल दूंगी। खड़े मसाले मैंने खड़े मसाले निकाल दिए हैं। अब ऐड करूंगी चाय पत्ती का पानी और इसको मैं चलाऊंगी गैस में रखने के लिए। अब मैं रख रही हूँ इसको। अब 10 से 12 मिनट तक मैं इन चनों को दोबारा पकाऊंगी। आप अभी देखेंगे। उतनी देर तक मैं ऐड करूंगी इसमें मसाले। नमक हम इसमें डाल चुके हैं। अब मैं डालूंगी चाट मसाला। ये पूरा चम्मच नहीं है, थोड़ा सा पूरे चम्मच से कम है। 1 स्पून भर के चना मसाला। आप कोई भी ब्रांड का चना मसाला यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। 1/4 स्पून कसूरी मेथी, 1/4 चना जीरा पाउडर जो मैंने घर पे ही बनाया, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम इनको हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें हल्दी थोड़ी कम भी डलेगी। थोड़े से चने मैंने कटोरी में निकाल लिए हैं। इनको मैं एक प्रॉपर पेस्ट बना लूँगी या थोड़ा सा पीस लूँगी। ग्राइंड भी कर सकते हैं आप ताकि तरी गाढ़ी हो जाए और एक अच्छा सा चने का पेस्ट बन जाए लिक्विड। ये देखिए, अब मैं इसे ऐड करूंगी चने में। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें देगी मिर्च। आप देख सकते हैं चने का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब ये धीरे धीरे गाढ़े भी होंगे। इनको 5 से 7 मिनट ऐसे ही पकाते रहेंगे।
आप चाहे अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसको 2 या 3 विसल और दिला सकते हैं। ये मेरे चने हो गए हैं रेडी, मसाले की अच्छी सी खुशबू इसमें से आनी शुरू हो गई है और इसमें ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो गई है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके चने ऐसे हो गए हैं तो आप फ्लेम को करें बंद और इसको सर्विंग बाउल में डालें और रेडी करें सर्व के लिए। मैं भी करने जा रही हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए रेडी हैं मेरे चने, इसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर के स्मॉल स्मॉल ये स्लाइसेस और ऊपर से मैं इसको डालूँगी धनिया से डेकोरेट। आप चाहें तो इसमें पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स भी डाल सकते हैं। ये है हमारे जल्दी से बनने वाले टेस्टी वाइट चने एंड ये इजी मेथड से बन जाते हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर ये मेरे चने हो गए हैं रेडी, अब आप इसको नान, पूड़ी, चने, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं ये और टेस्टी बनते भी हैं। आप ट्राई करें इसको और मुझे ज़रूर बताएँ।